ये भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ है युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी झंडा है तो उसका डंडा है युवा मोर्चा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का मुजफ्फरपुर में जिला कार्य समिति का बैठक था, बहुत ही सफल आयोजन किया गया। इसमें हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भारतेंदु जी इसमें शामिल हुए, बहुत ही जुझारू और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके नेतृत्व में लगातार संगठन युवा मोर्चा का संगठन बिहार प्रदेश में सुदृढ़ हो रहा है। और ये आज एक आह्वान लेकर के आए थे, 12 जनवरी को पटना में युवा समागम का आयोजन किया जा रहा है, तो इस क्रम में आज इस कार्य समिति में इन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के युवाओं को और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और भारी से भारी संख्या में स्वामी विवेकानंद के जयंती पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होकर देश की युवा शक्ति को मजबूत और शक्ति प्रदान कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी पूर्व में कहा है कि इस बार का संसद सबसे युवा संसद होगा। तो अभी आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे युवाओं की भागीदारी के बारे में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही घोषणा किया है कि इस बार का संसद सबसे युवा संसद होगा। तो जब युवा संसद होगा तो युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होगी, इसके लिए आप लोग भी निश्चिंत रहिए, देश भी निश्चिंत है। और युवा संसद इस बार चुन के जाएंगे और युवा मोर्चा पहले से और मजबूत और सुदृढ़ होगा। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पार्टी के सारे कामों को अमली जामा पहनाने का काम युवा मोर्चा करता है। इस कार्य समिति के अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। साहू पोखर पूजा समिति द्वारा मार्ग शीर्ष व अगहन पूर्णिमा पर साहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई। पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। इसके पूर्व विधि विधान से पोखर शुद्धिकरण गाय के दूध दही गोबर गौमूत्र घी और गंगा जल डालकर किया गया। उसके उपरांत हनुमान चालीसा बजरंग बाण और जय श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान होता। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि हर माह साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती की जाती है। इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, सचिव रमन मिश्रा, राजेंद्र झा, श्री रंजन साहू सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए, हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर गंगा महाआरती और शिव की आराधना और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है, जिसे लेकर आज माघ शीर्ष और अगहन की पूर्णिमा है। आज की पूर्णिमा जो है अति विशिष्ट है। आज के तीन भगवान का प्राकट्य हुआ था, जन्मोत्सव हुआ था। माता अन्नपूर्णा का आज प्राकट्य दिवस है, भगवान दत्तात्रेय का आज प्राकट्य दिवस है, और माता त्रिपुर भैरवी का आज प्राकट्य दिवस है। आज के दिन पूजा अर्चना दान, आज के दिन विधान का इसका विशेष महत्व है। आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, जप तप और खासकर नदियों किनारे अगर आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका विशेष महत्व है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद और माता त्रिपुर भैरवी का आशीर्वाद माता लक्ष्मी के रूप में मिलता है, जिसे ले अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।